हेलो एम एस सी हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के लेक्चर पे हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक आज के टॉपिक पे हमने बात करनी है जॉन स्टैलर डिस्टोर्शन पे तो देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है थोड़ा टफ सा लोगों को लगता है जितना मैंने देखा बट बहुत इजी टॉपिक है मैं आपको इसे और सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगी ओके okay? बट आपने काम करना है ना आपने ये काम करना है कि आप ये लेक्चर पर आए हैं तो चीजों को प्लीज थोड़ी देर ध्यान से सुनिए ठीक है क्योंकि मैंने भी अपना टाइम लगाया और आप भी अपना टाइम दे रहे हो तो वेस्ट क्यों करना ना इससे अच्छा है कि आप चीजों को ध्यान से सुनिए ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ओके तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो देखिए ना हुआ क्या था मैं आपको पहले बहुत बेसिक से लेके चल रही हूँ क्या था देन हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा ओके देखो हुआ क्या था ना सबसे पहले तो दो साइंटिस्ट थे एक का नाम था जॉन एक का नाम था टैलर ओके तो इन दोनों साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली बात है इसके नाम से पता चला है जॉन तो इन्होंने क्या किया था जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक फिनोमिना दिया था जिसे आप एक थ्योरी भी बोल सकते हैं एक थ्योरी दी थी ठीक है उस थ्योरी का नाम ही था जॉन स्टेलर डिस्कशन ओके तो उस थ्योरी पे ये बताते क्या है ये दो साइंटिस्ट ही बोलते हैं कि आपने क्या करना है किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल में नहीं सिर्फ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पर ध्यान देना नॉन लीनियर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो लीनियर नहीं है एक्सेप्ट क्या होगा ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल है सपोज ए आपका सेंट्रल मेटल है इसके सराउंडिंग में सिर्फ दो मेटल है ओके okay, दो ग्रुप से या फिर दो लिगेंट है आप बोलेंगे तो उस केस में जो जोमेट्री होगी वो लीनियर होगी तो इसको छोड़ के जो बची हुई ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल ऑक्ट्राहाइडर इन सारे ज्योमेट्री पे क्या बताया इन्होंने डिस्टॉर्शन फिनोमिना को अप्लाई किया ओके अब क्यों किया उससे क्या फायदा मिलेगा अभी अभी मैं आपको बताती बस अभी आप इतना कि जॉन स्टेलर ने एक थ्योरी दी उस थ्योरी पे इन्होंने ये बोला कि आपने क्या करना है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में डिस्टोर्शन कराना है अब डिस्टोर्शन का मतलब क्या हुआ डिस्टोर्शन का मतलब ये हुआ कि आपने या उनका बॉन्ड एंगल चेंज कर दो या उनका बॉन्ड लेंथ चेंज कर दो समझ में आता देखिए सपोज ना हम सारी चीजें आज जॉन्स टैल डिस्टोर्शन पे जितनी भी सारी चीजें पढ़ेंगी वो ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगी और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्टाहेड्रल के की रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं ओके okay? तो देखो ना आपको पता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है कुछ आपको ऐसा मिलता है यानी कि यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है यहाँ पर आपके ये छह लिगेंट्स अटैच होते हैं ओके तो यहाँ पर से यहाँ पर एक लिगेंट होगा यहाँ से यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक और यहाँ एक ओके अब देखो यहाँ पे आपको दो टाइप की बॉन्ड लेंथ मिलती है ये जो दो ऊपर नीचे इनको आप बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ओके? और ये जो बची हुई चार है इनको आप बोलते हैं इक्विटोरियल ये भी इक्विटोरियल ये भी इक्विटोरियल और ये भी इक्विटोरियल ओके अब देखो इनिशियली क्या है ये एक आइडियल है आइडियल ऑक्ट्राइडल मतलब अगर आप इसमें इनकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको एक्सियल और इक्विटोरियल की बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलेगी यानी कि सारे जितनी भी यहाँ लेंथ है सिक्स बॉन्ड लेंथ है सारे के सारे सिक्स बॉन्ड लेंथ क्या होंगे इक्वल इक्वल नंबर के होंगे यानी कि सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी सारे बॉन्ड की ओके सो सिक्स बॉन्ड ने सारे सिक्स के सिक्स बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी इक्वल होगी okay, ओके okay. लेकिन ये डॉन स्टेलर बोल रहा है कि आपने क्या करना है ये जो स्ट्रक्चर है ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसमें आपने डिस्टॉर्शन कराना है तो डिस्टॉर्शन कैसे कराएंगे डिस्टॉर्शन आपका दो टाइप का हो सकता है पहला डिस्टॉर्शन आप क्या कर सकते हैं आप अपने एक्सियल बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करते हो ओके एक्सियल बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेंगे इसका मतलब क्या है इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ तो एज इट इज रही लेकिन आपका इक्विटोरियल बॉन्ड क्या हो गया लंबा हो गया यहाँ से ओके अगर ये लंबा हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ है एक ये एक ये ये, ये दो बॉन्ड है इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी इनको इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने ये बॉन्ड जो है इसको इंक्रीज कर दिया ओके यही तो हुआ डिस्टोर्शन और ये जो आपके चार बॉन्ड है जिसे आप इक्विटोरियल बॉन्ड कह रहे हैं ये एज इट इज रहेंगे जिसकी वजह से अब आप क्या बोल सकते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या है इक्विटोरियल से बड़ी है चीजें क्लियर है सिमिलरली एक और चीज आप डिस्टोर्शन में कर सकते हैं आपने क्या किया एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो थी आपकी उनको तो एज इट इज रखा लेकिन इक्विटोरियल को बढ़ा दिया अब आप देखिए इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होगी बट एक्सियल जो है वो वैसे की वही रही अब आप क्या बोल सकते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या है स्मॉलर है कंपेयर टू इक्विटोरियल इसी को बोलते हैं इनिशियली क्या था जो आपका आइडियल स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड लेंथ और इक्विटोरियल इक्वल है लेकिन जब आपने इसमें डिस्टोर्शन किया distortion मतलब कि एक बॉन्ड लेंथ को चेंज कर दिया तो उसकी वजह से दो कंडीशन आ गई एक केस में आपने एक्सियल को बढ़ा दिया दूसरे में आपने इक्विटोरियल को बढ़ा दिया ओके तो इसी फिनोमिना को कहते हैं डिस्टोर्शन तो जॉन टॉलर जो थे जो साइंटिस्ट इन्होंने एक थ्योरी जनरेट की थी जिस थ्योरी का नाम था जॉन स्टेलर डिस्टोर्शन ओके इस थ्योरी पे आपने यही पढ़ना होता है कि आपने कोई भी नॉन लीरियर मॉलिक्यूल लेना होता है मतलब नॉन लीरियर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लेनी होती है अब ज्योमेट्री हम पर्टिकुलरली क्या है? यहाँ पर ऑक्ट्रोहेड्रल की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया अगर आप ऑक्ट्रोहेडल की जोमेट्री में उसके स्ट्रक्चर में कोई भी डिस्टॉर्शन करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे ओके okay? तो इसी टाइप की फिनोमिना इसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था जॉन्स स्टेलर डिस्टॉर्शन ने अपनी थ्योरी के अंदर ओके okay? अब देखो ना कुछ न कुछ काम कर रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ, कुछ रीजन तो होगा क्योंकि देखो जॉन्स स्टेलर से पहले आप ये जॉन्स स्टेलर डिस्टॉर्शन कहाँ पढ़ रहे हैं सीएफटी में ही तो पढ़ रहे हैं ना तो सीएफटी पहले तो सीएफटी थ्योरी आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफल वगैरह सबके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ओके तो उसके बाद आपके जॉन स्टैलर ने ये फिन दिया इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ प्रॉफिट छुपा है तभी तो हम डिस्टॉर्शन करा रहे वरना हमें क्या फर्क पड़ रहा है आइडिया लाइ उसे रहने दीजिए आप उसके बॉन्ड लेंथ क्यों बड़ा करा रहे ओके तो उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा हमें क्या आपके कंपाउंड के जो आपने स्ट्रक्चर आपने जो ज्योमेट्री लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट क्या मिलेगा अब आप वो सुन लीजिए प्रॉफिट ये मिलेगा ना कि अगर आप अपने मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन करा देंगे तो डिस्टॉर्शन की वजह से आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल कोई भी जो आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा अपने सिस्टम की एनर्जी को रिड्यूस कर देता है मतलब अगर आपने आप देखो डिस्टॉर्शन जो अब आपने कराया यहाँ पे मैंने दिखाया कि पहले एक्सल इज इक्वल टू इक्विटोरियल था पर दो टाइप के डिस्टॉर्शन आपने किए एक्सेल की बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल के कंपेयर में बढ़ा दी दूसरे केस में इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ एक्सल से बढ़ा दी ओके okay? अभी कैसे बढ़ानी ये सारी चीजें तो हम देखेंगे अभी जस्ट ये देखो कि हमने डिस्टोर्शन कराया क्यों डिस्टोर्शन का रीजन क्या होता है ना देखो अगर आप इस टाइप का आइडियल ऑक्ट्रेडल कंपाउंड लेंगे तो इस केस पर जब आप इसकी एनर्जी निकालेंगे एनर्जी मैंने आपको बताया था के केस पर जब आप अपने डी ऑर्बिट की स्प्लिटिंग कराएंगे ओके okay? आपने क्या की स्प्लिटिंग कराई उस केस में जो आपकी एनर्जी निकलेगी ना वो एनर्जी क्या होगी आपकी बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू तो ये जो डिस्टोर्शन वाला स्ट्रक्चर आपको मिला इन स्ट्रक्चर के कंपेयर में मतलब क्या हुआ distortion कराने की वजह से क्या है आपका जो स्ट्रक्चर आपकी जो ज्योमेट्री है उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी ओके okay? और एनर्जी रिड्यूस कराने से हमारा क्या फायदा मैंने आपको क्या बोला था अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स आपका उतना ही ज्यादा अनस्टेबल कंसिडर किया

तो आप यहां देख सकते हैं इस कंपाउंड की एनर्जी क्या होती है बहुत ज्यादा होती है ओके okay? ये इसकी एनर्जी को रिड्यूस कराने के लिए हम लोग कंपाउंड में किसी भी ज्योमेट्री को क्या करते हैं डिस्टॉर्ट करते हैं यानी कि इस कंपाउंड की ऑक्ट्राइटल कंपाउंड की अगर मैं ज्योमेट्री को क्या करूं डिस्टॉर्ट करूं तो दो वे में तो मैं डिस्टोर्शन यहाँ कर सकती हूँ डिस्टोर्शन की वजह से क्या होगा मेरी इन दोनों कंपाउंड की जो एनर्जी होगी वो इस कंपाउंड के कंपेयर में क्या होगी कम होगी कम होने की वजह से क्या होगा ये दोनों कंपाउंड में लेस एनर्जी होने की वजह से ये दोनों कंपाउंड आपकी ज्यादा स्टेबल कंसिडर की जाए रिस्पेक्ट टू तो इस कंपाउंड के कंपेयर में ओके और हमें तो रिस्पेक्ट हमें कौन सा कंपाउंड चाहिए अनस्टेबल सॉरी स्टेबल कंपाउंड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डिस्टॉर्शन कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो यही फिनोमिना क्या है जॉन स्टेलर डिस्टॉर्शन के हमने के अंदर हमने पढ़ना होता है हमने कोई भी अपने कंपाउंड को उसमें डिस्टॉर्शन कराएंगे डिस्टॉर्शन कैसे होगा कैसे क्या क्या, क्या चीजें करनी है वो तो सब मैं आपको बताऊंगी अभी आप माइंड पे ये रखिए कि जॉन्स टैलर डिस्टॉर्शन में आपको क्या कराना होता है आपको नॉन लीनियर मॉलिक्यूल लेना है पर्टिकुलरली हम ऑक्ट्रा पे बात कर रहे हैं आपने ऑक्ट्राहेडल कंपाउंड लेना है उसको डिस्टॉर्ट कराना है कैसे डिस्टॉर्शन होता है दिखा दिया अब वो डिस्टोर्शन कराने का रीजन क्या है डिस्टोर्शन कराने का रीजन ये है जो आपका आइडियल ऑप्ट्रेडल कॉम्प्लेक्स होता है उसकी एनर्जी होती है बहुत ज्यादा एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कंपाउंड कंसिडर किया जाता है अनस्टेबल ओके okay? तो उसको स्टेबल कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने आइडियल ऑप्ट्रोहडल कंपाउंड को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना होगा उसमें थोड़ा डिस्टोर्शन लाना होगा डिस्टोर्शन लाने की वजह से क्या होगा आपके सिस्टम आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा आपका सिस्टम थोड़ा स्टेबल हो जाएगा थोड़ा चुपचाप बैठने लगेगा स्टेबल कंपाउंड की तो हमें नीड है ठीक है तो यही सारी चीजें क्या है जॉन्स टेलर डिस्टॉर्शन है अपने अपने स्ट्रक्चर अपने आ, बोल सकते हैं थ्योरी पे एक्सप्लेन की थी ठीक है अब देखो इतनी चीज हुई तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं ठीक है चलते चलते देखो ये सारी चीजें मैं आपको शेयर तो करने वाली ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही है बट यहां से मेन चीज स्टार्ट होती है 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 ये ये क्या क्या बोल 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 रहा रहा डेफिनेशन जॉन स्टेलर की सकते हैं जॉन स्टेलर डिस्टोशन इज अ अट्रिकल डिस्टोर्शन ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन मतलब आपने क्या करना है सिर्फ आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करना है बाकी चीजों को आपने नहीं छूना इसलिए क्या हुआ जॉन स्टेलर डिस्टोर्शन एक टाइप का ज्योमेट्रिकल डिस्टॉशन है वो भी किस टाइप के मॉलिक्यूल का ऑफ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल यानी कि सिर्फ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में ही आपको ये टाइप का डिस्टॉर्शन मिलेगा बाकी कोई भी कंपाउंड में इस टाइप का डिस्टॉर्शन आपको नहीं मिलेगा ओके सिस्टम दैट रिड्यूस द इट्स सिमेट्री एंड द एनर्जी और ये डिस्टॉर्शन कराने का पर्पस क्या है ताकि आप क्या करें अपने सिस्टम की सिमिट्री को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी तो सिमिट्री का झमेला मत लीजिए सिमेट्री में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपने सिंपली क्या बोलना है कि आप किस लिए करा रहे हैं ताकि आप अपने सिस्टम की एनर्जी क्या कर सके रिड्यूस करा सके और सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस कराने का अकेला मोटिव क्या है ताकि हम अपने सिस्टम को क्या बना सके स्टेबल बना सके चीजें क्लियर है तो बोल रहा है जोमेट्रिकल डिस्टोर्शन ऑफ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम दैट रिड्यूस इज सिमिट्री एंड द एनर्जी okay? अब भी क्या बोले? This distortion is typically among octahedral complex. तो देखिए मैंने पहले भी बोला ये आपको क्या है मिलेगा भी octahedral complex में. आप देखेंगे को तो बढ़ा नहीं सकते कोई कोई तो होगा जब आप अपना octahedral, तो, sorry, अपना बढ़ा रहे हैं। खाली तो खुद ब खुद तो नहीं घटा सकते हैं ना? ना? तो देखो सारे मॉलिक्यूल्स क्या है So, नहीं करते करते कुछ ही वो वो भी मैं आपको explain करूंगी। अभी आप सुनिए कि ये जो distortion phenomenon है कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको सारे देखो एक ही मॉलिक्यूल तो ऐसा है नहीं जो ऑक्ट्रेडल कॉम्प्लेक्स बना रहा हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है तो उनमें भी क्या है कुछ ही मॉलिक्यूल जो है ये डिस्टोर्शन फिनोमिना शो करेंगे ओके okay? तो वो भी मैं आपको बताऊंगी बस अभी आपने क्या सुनना है कि जो डिस्टोर्शन है वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व होता है

मैंने आपको क्या बोला सारे ऑक्टाहेडल कॉम्प्लेक्स भी जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं शो करते हैं ये बोल रहा है पर्टिकुलरली क्या है सिर्फ जी डी नाइन और डी फोर्थ आइन जो है जो आपका मेटल आयन होगा आप क्या करते हैं मेटल्स के तो लेते हैं डी ऑर्बिट आपका क्या है मेटल का तो मेटल में सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नाइन है तो ये बन गया डी नाइन ऑर्बिट ओके अगर यहाँ पर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है फोर है तो ये क्या बन गया डी फोर ऑर्बिट ओके तो ये बोल रहे हैं सिर्फ डी नाइन और डी फोर ऑर्बिट ही जो है वो आपके जनरली जॉन टेलर डिस्टोर्शन शो करते हैं अब ये दो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी बस अब इतना समझो कि D9 और D4 आयन ही जनरली शो करता है तो लिखा है यहाँ पर ये यह आपके काम की चीज है ये स्ट्रक्चर्स बना लेना तो ये बोर्डर दो तो टाइप का डिस्टोर्शन जनरली आप ऑक्ट्राइड में शो करते हैं वो क्या होता है एक होता है इलांगेटेड ऑक्ट्रेडोल आपको मैंने क्या बताया नॉर्मल ऑक्ट्राहाइड के केस में के सारे एंगल इक्वल है लेकिन इलांगेटेड केस में क्या के के होगा अब आप देख सकते हैं ये है, है इलांगेटेड स्ट्रक्चर ओके तो आप देखिए यहां पर मेटल है मेटल के साथ क्या लगे ये छह लिगेंट लगे हैं लेकिन आप देखिए ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पर यह जो इक्विटोरियल बॉन्ड है ये चार इन सबकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी ओके लेकिन एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या है इक्विटोरियल गई है तो इसे आप एक नाम से बोलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे नॉर्मल ऑक्ट्राहेड्रल ना बोल के आप इसे बोलेंगे कंप्रेशन ऑक्ट्राहड्रल कंप्रेशन क्यों आपने क्या किया आपका इक्विटोरियल तो एज इट इज है लेकिन आपने क्या कर दिया बॉन्ड को क्या कर 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 दिया 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 छोटा 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 ओके तो कर दिया तो तो बात है कि बढ़ जाएंगे समझ में आया क्योंकि आपने तो अपने को ियल वैसे अगर एक्सियल छोटे होंगे तो अगर एक, अगर को आपने छोटा कर दिया तो बात है इक्विटोरियल खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे तो ये हो गया स्ट्रक्चर आप देख सकते है? यहां लिखा है देन इक्विटोरियल बॉन्ड की जो वो ज्यादा है कंपेयर टू एक्सएल और इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे distorted structure या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहाड्रॉन स्ट्रक्चर ओके अब देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऑक्ट्राहाड्रोल में भी सिर्फ डी नाइन और डी फोर आयन ही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जॉन स्टैलर डिस्टॉर्शन के लिए ओके okay? तो अब चीजों को ध्यान से सुनेगा देखिए होता क्या है ना यहाँ आगे देखिए पहले एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ठीक है तो देखो अभी तो मैंने जस्ट बोला अब मैं आपको उसको रीजन दिखा रही हूँ तो ये बोल रहा है आप यहाँ दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं पहला स्ट्रक्चर में मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है निकल तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है कॉपर ओके okay? लेकिन नंबर ऑफ लिगिन दोनों एक टाइप का ऑक्ट्राहडल स्ट्रॉन्ग लिगिन की बात बोली ओके okay? लेकिन जॉन स्टेलर को वीक स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है आप देख सकते हैं दोनों साइड आपकी जो लिगिंड है वो वॉटर है वॉटर एक टाइप का वीक लिगेंड होता है तो दोनों में वीक लिगेंड लगाया ओके लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर को जो पहला स्ट्रक्चर है इसपे कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हो रहा यहाँ पे डिस्टॉर्शन आप करा भी नहीं सकते ओके लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन हो गया क्यों हुआ इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी बट पहले आप यहाँ स्ट्रक्चर से समझिए ओके ये क्या बताना है आपको टीचर को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है तो देखो आपने टीचर को भी ऐसे एक्सप्लेन करना है ये क्या बोल रहा है निकिल आपका सेंट्रल मेटल एटम है निकिल के सराउंडिंग चार बॉन्ड सॉरी सिक्स बॉन्ड है इसका मतलब सिक्स लिगेंट लगे लेकिन ये छह के छह ये दोनों आपके क्या है ये आपका इक्विटोरियल है ये इक्विटोरियल है ये इक्विटोरियल है, है और ये भी इक्विटोरियल है लेकिन ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है ओके तो ये क्या बोल रहा है ऑल द सिक्स एनआई और ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड मतलब क्या है जो आपका वॉटर लिगेंड है वॉटर का यहाँ पर को सेंट्रल मेटल कौन है ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली बात है निकिल जो है

ओके okay, तो इस केस में देखो यहां पर को आपको जॉन्स डिस्टॉर्शन फील होगा क्यों क्योंकि ये भी ऑक्ट्राइडल स्ट्रक्चर है तो सी बात है यहां भी आपके एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड का जितना भी बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए ओके okay? लेकिन हो नहीं रहा आप यहां देखेंगे ये जो आपके इक्विटोरियल बॉन्ड है ओके okay? और ये जो चार इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ अलग आ रही और दो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ अगर आपने कैलकुलेट की वो अलग आ रही तो देखो फोर इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लेट जीरो जीरो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर को क्या थी एक्चुअल टू पॉइंट जीरो फाइव अब यहाँ पर को जब आपने क्या किया अपने एक्सियल बॉन्ड लेंथ को बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटोरियल कम हो जाएगी देखो आपने क्या किया डिस्टॉर्शन करने के लिए अपने एक्सियल बॉन्ड लेंथ को तो बढ़ा दिया तो इक्टोरियर कम होगी तो देखो इक्विटोरियर की बॉन्ड लेंथ कहां चलेगी 2.00 और एक्सल की कहा चलेगी एक्सल बड़ा एक्सल की बॉन्ड लेंथ दो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ले चलेगी 2.45 एंगस्ट्रॉम इसका मतलब यहाँ पर आपको जॉन्स टेलर डिस्टॉर्शन फील हुआ ओके तो क्यों सिर्फ इसी में फील हुआ क्यों इसमें फील नहीं हुआ उसको मैं आगे बताऊंगी इतनी चीज क्लियर आई जो अभी मैंने बोला तो देखो मैंने अभी आपको इतना बोला कि सारे नहीं करते और इसका रीजन भी मैंने बताया कि पर्टिकुलरली डी डी नाइन और डी फोर में डी नाइन डी फोर समझ रहे हैं ना आपने अपना मेटल लेना है आपको है यहाँ पर को जो मेटल आप लेते हैं वो जनरली ट्रांजिशन मेटल लेते हैं और ट्रांजिशन मेटल का आउटर ऑर्बिट क्या होता है डी ऑर्बिट होता है मैंने आपको सी एफ टी लिमिटेशन में भी बताया था कि सी एफ टी की लिमिटेशन भी ये है कि ये सिर्फ मेटल के बारे में बात करती है पहली लिमिटेशन तो ये होगी थी और दूसरी क्या थी कि सिर्फ डी ऑर्बिट के बारे में बात करती है तो आपने यहां मेटल का डी ऑर्बिट लेना है जिसमें फाइव फाइव uh, ऑर्बिट होते हैं फाइव ऑर्बिट में इसका मतलब दस इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ओके तो जब मैं डी नाइन कह रही हूँ इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए नाइन होने चाहिए आप जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ देखो ये डी नाइन का केस है डी फोर मतलब अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर को सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन फिल करूं वन टू थ्री फोर तो इस केस में ये जो ऑर्बिट बना ये किसका बना डी फोर का बना ये किसका बना डी नाइन तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में इन दोनों जब आपका मेटल आइटम जिनका कॉन्फ्रिगेशन क्या है D9 है या फिर D4 है तो इस केस में इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में आप क्या करते हैं जॉन स्टेलर डिस्टोर्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैंने आपको बता दिया यहाँ देखो लिगेंड सेम है यहाँ बस मेटल ही तो वरी कर रहे हैं तो देखो इसमें हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है इसका रीजन क्या है कि मेटल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है मतलब मेटल में ही चेंज आ रहा है ना कुछ लिगेंड तो सेम है ओके तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि मेटल आपका डी और डी जो होते हैं और भी होते हैं अभी आपको बताऊंगी उनमें सिर्फ आप अपना जॉन स्टोरे डिस्टोर्शन फील कर सकते हैं अब ऐसा रीजन क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ओके तो देखिए हुआ क्या था अब आप आगे बढ़िए देखो देखिए क्या होता है अब मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा नीचे देखिए देखो यहाँ पे मैंने दिखा मैंने अभी आपको क्या बोला ये चीज माइंड पर रखना कि सिर्फ मेटल की वजह से डिस्ट्रशन हो रहा है लिगिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा वीक लिगेंड लगाओ स्ट्रॉग लिगेंड लगाओ यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ सिर्फ मेटल की वजह से डिस्ट्रॉशन हो रहा है पहली चीज अब देखो आपने ये चीज पढ़ा है आपने सेफ्टी पे पढ़ा था मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये है आपका मेटल का डी ऑर्बिट बता दिया जो आपका मेटल है वो आपका क्या होता है आउटोमोशन अगर आप मेटल का लेंगे तो वो आपका डी होता है अभी ये नंबर मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री है फोर है फाइव है उससे हमें कोई मतलब नहीं ये आप देखिए कि ये ऑर्बिट है आपका डी ऑर्बिट जो कि किसका है मेटल का है ओके okay? अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है इनिशियली आपका मेटल आइसोलेटेड है यानी कि मेटल के साथ कोई भी लिगिन टच नहीं ये मेटल ही मेटल है ओके okay? तो देखो मेटल में क्या होते हैं फाइव ऑर्बिट होते हैं यहाँ मैंने इनका रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया हुआ है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये फाइव ऑर्बिट है ठीक है इस पर आप देखेंगे ना जो स्टार्टिंग के तीन है जो है आपका डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर ओके ये आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिट होते हैं मतलब नॉन एक्सियल मतलब ये आपकी एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन एक्सिस में आपके ये ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं होते ये इनके बीच में होते हैं, तो इसे बोलते हैं नॉन एक्सल ऑर्बिट तो ये तीन ऑर्बिट क्या है नॉन एक्सियल है बचे हुए दो आपके जो डी एक्स स्क्ट है ऑक्ट्राहेडवल स्ट्रक्चर बनाना है इस मेटल का तो सी बात है अब आपने इस मेटल के साथ क्या है छह लिगिन को अटैच करना होगा ओके तो देखो होगा क्या कि मेटल मैं आपको बता सी एफ टी में मैंने आपको बताया था सी क्या बोलती है सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में

10 हो सकते हैं यानी यानी कि D1, D2, D3, D4, number of, कि D10, D1 से के पर हो सकते हैं। लेकिन चीज को पता नहीं थी। ने तो positive देखा metal के metal के ऊपर और साथ बॉन्डिंग कर ली ओके okay? अब देखो पता है आपको लिगेंड के ऊपर है क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और मेटल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे आप देख सकते हैं मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है तो देखो जैसे मेटल ने और लिगिन ने बॉन्डिंग कर दी उसके बाद लिगिन को ये चीज पता चले कि हाँ, मैटल की हाँ मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगिन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज आए क्योंकि लिगिन और मेटल क्या है एक दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देख के अट्रैक्ट तो हो गए लेकिन दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है ये सोच के मतलब बेखबर थे इस चीज से कि हाँ इनके पास इलेक्ट्रॉन भी है ओके लेकिन जैसे ही ये दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया तब जाके इन्हें पता चला कि हाँ इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है तो जैसे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आए क्योंकि बॉन्डिंग तो होगी थी इलेक्ट्रॉन को पास आना था ही, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन पास आए उस केस में क्या हो गया 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 मेटल आपका टूट गया. टूट क्यों क्योंकि के पता ही नहीं था कि लिगिन के पास भी इलेक्ट्रॉन है लिगिन को पता नहीं था कि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है तो जैसे जैसे इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन पास आए तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेंगे तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा ये मेटल का ये जो आपका मेटल का डी ऑर्बिट है इनिशियली तो सबके सब इसके ऑर्बिट क्या है इनिशियली एक एनर्जी के जिसे हम डिजेनरेटेड फॉर्म बोलते हैं ठीक है ये आपकी क्या है डी जनरेटेड फॉर्म है डी क्यों है क्योंकि अभी मेटल के सारे ऑर्बिट एक ही एनर्जी के हैं ओके लेकिन मेटल के साथ आपने जैसे लिगिन बनाया मेटल के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया एक दूसरे repulsion किया. Repulsion के साथ रिपल्शन किया रिपल्शन होने की वजह से आप देख सकते हैं मेटल के डी ऑर्बिट टूट गए टूटे कैसे अब आप देख सकते हैं तीन सेट मैंने आपको क्या बोला जो नॉन एक्सियल सेट है डी एक्स वाई डीवाई जेड डी जेड स्क्वायर का सॉरी डी डी जेड एक्स का ये क्या हो गया टूट के नीचे चले गए और इस सेट को आपने टी टू जी नाम नहीं दिया टी टू आपने नहीं मतलब सी एफ टी ने दिया और बचे हुए ये दो, दो एक्सेल सेट है एक्सेल वहां से थे डी एक्स स्क् और डीजेड स्क्वायर ये ऊपर चलेगी इनको नाम दिया इजी ओके अब चीजें ध्यान से सुनने वाली है कि देखो हमने यहां पर को वो क्यों कराया क्या आँ... हमने यहां पर डिस्टॉर्शन क्यों कराया okay, तो देखो हुआ क्या देखो ये डायग्राम जो है वो एक टाइप का एनर्जी डायग्राम है आपको मालूम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी लेवल ओके एनर्जी लेवल कैसे क्योंकि देखो इनिशियली जो ऑर्बिट था आपका मेटल का उसकी एनर्जी यहाँ लाई करती थी ओके okay. कुछ ना कुछ एनर्जी तो थी उसकी एनर्जी यहाँ लाई करती थी ओके okay. लेकिन ये मेटल की ऑर्बिट जो थे जैसे लेकिन के अटैचमेंट के आने के बाद ये ऑर्बिट टूटे तो दो सेट में टूट गए एक की तो एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ एक की एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट वाले की एनर्जी देखो कितनी कम होगी इनिशियल इतनी थी अब इसकी इतनी होगी सपोज इसकी फाइव थी तो अब है जीरो हो जाएगी ओके और यहाँ इंक्रीमेंट हुआ इसका मतलब यहाँ फाइव है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी टेन हो जाएगी ओके अब देखो यहाँ पर हमारा एनर्जी बढ़ना मतलब हमारा लॉस ही हुआ क्यों जितनी आपकी ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ेगी उतना ऑर्बिट आपका अनस्टेबल होगा ये ऑर्बिट आपका क्या हो गया अनस्टेबल क्यों क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई लेकिन ये तो आपका स्टेबल हो गया आपको तो स्टेबिलिटी चाहिए अब मैंने आपको क्या बोला क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऑर्बिट आपका स्टेबल है ये ऑर्बिट आपका कौन से ये ऑर्बिट ये तीनों ऑर्बिट आपके स्टेबल है ओके okay, अब देखो स्टेबल है तो ठीक हो गया आपने इसे नीचे कर दिया ठीक है लेकिन ये आपके हैं अनस्टेबल अनस्टेबल है मतलब अब आपको इसको, इसको स्टेबल कराना है तो यही चीज डॉन ने बोला कि आप अगर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है है तो आप इसको, इसको स्टेबल करा ही नहीं सकते इसमें डिस्टोर्शन करा ही नहीं सकते क्यों क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है ओके okay? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपका जो ऑर्बिट है मेटल का ऑर्बिट है वो आपके स्टेबल है टी टू जी सेट में वो स्टेबल है इसकी एनर्जी कम है ओके T2 ये हो जाएगा D2 कर दे तब भी आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा यहाँ फिल होगा इसका मतलब अभी भी आपका सिस्टम स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके T2 जी सेट में है। अगर D3 कर दू तो अभी भी इलेक्ट्रॉन यहां है लेकिन जैसे मैंने इसे डी फोर कर दिया तो डी फोर वो भी हाई स्पिन हाई स्पिन मतलब क्या हुआ आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयरिंग भी कर सकता था लेकिन आपने यहां पेयरिंग नहीं करानी क्योंकि हमने बोला डी फोर हाई स्पिन हाई स्पिन मतलब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग ना करा के ऊपर वाले शेल पे जाके ऊपर वाले ऑर्बिट पे जाके एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा ओके अब आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया इसका मतलब यहां पे देखो अब यहां पर को आपका इलेक्ट्रॉन आ गया इसका मतलब आपका मेटल हो गया अनस्टेबल क्योंकि देखो यहां तो ये यह तीनों है ये स्टेबल है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां आने की वजह से आपका मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल ओके अब आप यहाँ पर डिस्टोर्शन करा सकते तभी मैंने बोला डी वो भी आपका कौन सा आपका पेयरिंग जो कि d4 फोर हाई स्पिन लो स्पिन होता तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन यहां जाता अभी भी इसे स्टेबल कराने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है Distortion की इसे नीड ही नहीं है ओके okay? लेकिन मैंने बोला d4 फोर हाई स्पिन हाई स्पिन मतलब आपने अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर डाल दिया हाई स्पिन किया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया इसका मतलब क्या है अब आपका कॉम्प्लेक्स आपका जो मॉलिक्यूल है वो हो गया अनस्टेबल की स्टेट में क्योंकि देखो इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है अब ये अनस्टेबल है अब इसको स्टेबल करने के लिए आपने क्या यूज करना है डिस्टोर्शन फिन यूज करना है चीजें क्लियर है कि डिस्टोर्शन हम क्यों नहीं कर रहे देखो D3 में क्यों नहीं करा सकते D3 में इलेक्ट्रॉन तो यही है इसे स्टेबल कराने की क्यों जरूरत है ये तो सेट और टी टू जी सेट पर आपका इलेक्ट्रॉन की देखो एनर्जी आपकी सिस्टम की एनर्जी इससे कम है सिस्टम स्टेबल है तो डिस्टोर्शन की जरूरत ही नहीं है तो ये चीज क्लियर हुई अब आपने क्या समझ सकते हैं डी फोर में मैंने क्यों कहा डी फोर हाई स्पिन में डी फोर हाई स्पिन में क्यों कहा क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इस सेट में चले गया है ईजी सेट 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 में, क्या है? Set. Set है। अनस्टेबल अनस्टेबल इसलिए क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा। तो अब आपको इसको स्टेबल कराने के लिए आपने क्या करना? देखो, CFT ने तो इतना बता दिया. उसके बाद का फिनोम ने बताया क्या अनस्टेबल नहीं छोड़ना हम आप इसे, आप इसे क्या कर है? सकते हैं अगर हम इसमें डिस्टोर्शन करा होगा वो चीज आप ध्यान से देखिए देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप बोलेंगे कि ऑक्ट्रेडल के केस में हमने ये जो ऑर्बिट है ना इनको टी टू जी को नीचे क्यों रखा टी टू जी को ऊपर भी तो रख सकते थे EG को नीचे भी नीचे भी भी क्यों रख सकते थे इसका रीजन ये है अगर आप इनके ऑर्बिट देखेंगे ना तो देखो होता क्या है ना आपके लिए, देखो आप अगर ऑक्ट्र स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्टा कैसा होगा मेटल है लिगिंड यहाँ से अटैच कर रहे हैं ओके तो देखो ये है जो ये ऑर्बिट है ना ये मेटल की ऑर्बिट है ठीक है ये मेटल के

वो यहां से अटैक करेगा या यहां से अटैक करेगा इस पोजिशन से वो यहां से अटैक नहीं करता वो ये एक्सिस से अटैक करेगा और ये जो ऑर्बिट है डी एक्स वाई डी वाइज डी जेड प्रेजेंट ही नहीं रहते तो सोचो कि लिगेंड और आपके ऑर्बिट के बीच में क्या है कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ और इंटरेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं होगा यानी कि यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो रिपल्शन नहीं होगा तो ये तीनों ऑर्बिट में क्या है रिपल्शन ना होने की वजह से इन तीनों ऑर्बिट की क्या होता है स्प्लिटिंग कम हुई और ये क्या हो गया स्टेबल हो गए लेकिन ऊपर के दो सेट अब आप, आप देखेंगे यहां ऊपर के दो सेट ये देखिए ये ऊपर के दो सेट पे क्या है मैंने क्या बोला ये आपके एक्सियल सेट है इसका मतलब लिगिन आपके कहा तो अटैक करते हैं तो देखिए अगर लिगिन ने ये चार एक्सिस से अटैक किया वन टू थ्री फोर अब आप बोलेंगे ये लिगिन भी तो यहाँ से अटैक कर रहे हैं देखो ये थ्री का डायग्राम है ओके थ्री अब देखो ये दोनों भी तो आप ये भी आपकी एक्सिस है ये भी आपकी एक्सिस है आप बोलेंगे ये भी तो एक्सिस में ही है देखो ये थ्री स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों ये जो ऑर्बिट है ये चार ऑर्बिट आपकी क्या है एक्सिस में है ओके okay? तो चारों लिगेंट आपके एक्सिस में अटैक कर रहे हैं तो जब आपका डी एक्स स्क्वायर आपकी एक्सिस होगी इसका मतलब यहाँ पर चार अटैक चार लिगेंट आपके अटैक करा सकते हैं तो जैसे लिगेंट और इस ऑर्बिट के बीच में जो आपका मेटल का चौथा ऑर्बिट है जिसे आप बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर यहाँ आपके चार लिगेंट अटैक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेटल के ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे समझ में भी तो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे ना और आपके क्या है लिगिन में भी इलेक्ट्रॉन है ये तो आपको पता ही है तो जैसे मेटल और लिगिन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे रिपेल करेंगे तो ये ऑर्बिट जाएंगे टूट और इनमें क्या होगा बहुत ज्यादा वे में टूटेंगे बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो इनकी एनर्जी जाएगी बढ़ और ये आ जाएंगे पर आप देख सकते हैं इसको हमने ऊपर किया ओके ओकेजी सेट में डाला तो सेम चीज इसमें आपके चार लिगिन ने तो अटैक करा दिए पांचवे छठे कहा अटैक करेंगे इन दोनों में जेड एक्सिस में जिसकी वजह से एक्सिस एक्सिस और T -D square, y -axis, y -axis और का ऊपर आती है ये एक्सिस नीचे क्योंकि यहाँ लिगिन और इनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा लिगिन और इनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है तो यहाँ पर को क्या होगा स्प्लिटिंग होगी बेचारे चुपचाप नीचे के लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे इतनी चीज क्लियर है अब देखो अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर डी फोर के रिस्पेक्ट में आपने कैसे अ वो कराना है क्या डिस्टॉर्शन कराना है ओके तो देखो पहला स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया इलॉन्गेटेड वाला बन गया इलॉन्गेटेड ऑक्टाहेड्रोन ओके तो देखो हुआ क्या देखो सबसे पहले क्या है हम लोग d4 की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? d4 ऑर्बिट मतलब कि यहाँ पर को क्या है आपके d ऑर्बिट है उसमें चार इलेक्ट्रॉन है और हाई स्पिन की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन तो यहां आगे चौथा इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा और ये तो आपका टी टू जी है आपका आपका ध्यान से ऑर्बिट ऑर्बिट में क्या है? है। क्या है 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 ये स्टेबल क्योंकि इसकी एनर्जी कम तो ये स्टेबल है ये है आपका अनस्टेबल अब अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए आपने क्या है डिस्टोर्शन करना है तो डिस्टोर्शन कैसे होगा तो देखिए सपोज हमने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन गया मैंने आपसे क्या बोला ये आपका है डी एक्स वाई ये है डी वाई जेड और यह है डी जेड स्क्वायर सॉरी डी एक्स वाई ओके डी एक्स वाई सॉरी डी जेड एक्स ओके ये है आपका डी ZX, okay. अब देखो तीन ऑर्बिट तो है पर जरूरी नहीं है कि यही वाला ऑर्बिट आपका डी एक्स वाई हो यही वाला ऑर्बिट आपका डी वाई जेड हो सिमिलरली ऊपर भी होगा आपने बोला एक ऑर्बिट आपका क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा ऑर्बिट आपका डी जेड स्क्वायर ओके अब जरूरी नहीं है कि यही वाला पहला वाला ऑर्बिट ही आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा वाला डी जेड स्क्वायर ओके ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला ऑर्बिट आपका डी स्क्वायर है ये वाला ऑर्बिट आपका डी एक्सर वाई स्क्वायर है कुछ भी हो सकता है ये चीज माइंड रखना ओके ओके तो सपोज सपोज हम यही केस ले लेते कि आपका पहला ऑर्बिट क्या है है अब देखो पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस ऑर्बिट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओके तो देखो यहां पर आपने अपना इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन दिया यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन ओके तो जैसे इस पर लिगेंड अटैच करेगा तो ऑब्वियस बात है कि इस ऑर्बिट में ये z स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन दिखाया ना हमने z स्क्वायर में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस सेल में बाहर से लिगेंड लिगिन अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियस बात है इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन है सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपके लिगिन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा रिपल्शन करेगा ये इलेक्ट्रॉन और इसके लिगिन के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा रिपल्शन तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा रिपल्शन होगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ है आपकी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी ये कौन सी बॉन्ड लेक्ल बॉन्ड ले तो है ये एक्सियल होगी ये क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी समझ में आया ये चारो क्या है इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं देखो समझ में आ रहा है ना ये चार क्या है ये जो चार बॉन्ड लगे है, ये चार ligand, ligand है? ये ligand, है? हैं ये चार लिगिंग कौन से लिगेंट हैं ये वाले लिगेंट जो आपके क्या है इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड एक्सियल लिगेंट होते हैं ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका क्या हुआ यहाँ पर आपका जेड एक्सिस पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है लिगिड के पास इलेक्ट्रॉन है तो लिगिड और आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन जब आएंगे पास तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो

उससे यहां पर को थोड़ा डिस्टॉर्शन हुआ आपके बाकी लेगेंट तो वही पोजिशन में अप्रोच कर रहे हैं लेकिन जो जेड एक्सिस पे दो इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहे थे वो दूर चले गए क्यों क्योंकि आपके जेड एक्सिस पर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पूरे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बाहर से लिगिन आएगा तो लिगिन के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे रिपल्शन की वजह से क्या करेंगे ये लिगिन को दूर फेंक देंगे जिसकी वजह से क्या होगा बॉन्ड लेंथ खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी समझ में है ना मैं क्या हुआ समझ में आपने क्या करा है यहाँ मेटल के ऊपर क्या है दो इलेक्ट्रॉन है सपोज हम कह रहे हैं मेटल के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है बट ये कौन सी एक्सिस पे जेड एक्सिस पे ओके तो जेड एक्सिस समझ लीजिए ये एक्सिस है क्योंकि ये जेड होगी ये आपकी एक्स वाई होगी ये आपकी एक्स ये, वा, ये स्कौर, वाई स्कौर ये वाली ठीक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ठीक है ये ठीक है ये तो है आपकी Z एक्सिस अब देखो Z एक्सिस पे अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है और Z एक्सिस पे आपके लिगिड अप्रोच कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका बॉन्ड बॉन्ड पर होना चाहिए क्योंकि सारे लेंथ क्या होनी चाहिए थी इक्वल होनी चाहिए आइडियली ओके लेकिन यहां पे लिगंड में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और मेटल के पास भी जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा मेटल तो बाहर नहीं जा सकता क्यों क्योंकि मेटल भी तो दूसरे लिगिट से सराउंडेड है तो मेटल तो अपनी जगह पे स्टे करेगा लेकिन ये लिगिट में नेगेटिव चार्ज और मेटल के नेगेटिव चार्ज क्या होगा इनके बीच में पर्जन आने की वजह से लेकिन अपनी ये वाली पोजिशन छोड़ के थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए ओके okay? तो देखो लिगेंड आपका क्या है यहां से यहां शिफ्ट हो गया यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो देख सकते हैं आपकी जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है है वो आपकी क्या है? पहले इक्विटोरियल की इक्वल होनी चाहिए थी लेकिन रिपल्शन होने की वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज हो गई कंपेयर टू इक्विटोरियल जिसकी वजह से अब आप देखेंगे ये सिस्टम आपके नॉर्मल सिस्टम के कंपेयर में कम एनर्जी वो गेन करेगा तो आप इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि अब आपका क्या है डी स्क्वायर वाला एक्सिस क्या है थोड़ी

और मतलब कि इजी सेट आपका कौन सा है ये और इजी सेट पे भी कौन सी एक्सिस पे डी जेड स्क्वायर एक्सिस पे इसका मतलब देन दो जो आपके पे अप्रोच करते थे मोर रिपर्षन। ये ज़्यादा इनके में क्यों? क्योंकि के एक, पे भी तो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से आपकी जो एक्स एक्सिस है वो इलांगेट हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इस स्ट्रक्चर को आप नॉर्मल ऑक्ट्रा ना कहके आप क्या बोलेंगे इलांगेटेड ऑक्ट्रा और

होगा क्या यहाँ भी डी फोर इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देखो ये भी हाई स्पिन है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ डाला दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ चौथा यहाँ ओके तो पहले केस में मैंने बोला कि ये सपोज डी जेड स्क्वायर एक्सिस है तो सपोज अब मैं बोल रही हूँ ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस है ओके इसका मतलब क्या है आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी कौन सी एक्सिस में प्रेजेंट है इस एक्सिस पर प्रेजेंट है आपके इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पर प्रेजेंट है, ये है आपके डी तो यहाँ आपके पूरे क्या है, है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो, तो, करेंगी, करेंगी, तो जैसे लिगेंड इसमें अप्रोच करेंगे तो आपको आपके लिगेंड को पता नहीं है वो तो पॉजिटिव चार्ज देख के पास आ गया था लेकिन ये लिगेंड को मालूम नहीं है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन जैसे लिगेंड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा लिगेंड को यहाँ रिपल्शन फील होगा क्योंकि मेटल

ये देखो ये चार एक्सेस पे रिपल्स जैसे पहले ऊपर कर रहे थे अब आपने क्या करना है इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है लेकिन लिगिन के इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे रिपेल करने की वजह से लिगिन की ये पोजिशन होने के बजाय वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ताकि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो मिनिमाइज हो तो अब आप देख सकते हैं आपकी जो आप

चार आपकी जो equatorial bond है, वो आपकी जो हैं वो बढ़ जाएंगी उनकी जिसकी वजह से क्या होगा पर को elongation हो सकता है आप बोल सकते इलोंगेटेड ऑक्ट्राहैडल किसके रिस्पेक्ट में अगर आप इक्विटोरियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अगर एक्सल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आप इसे बोलेंगे कंप्रेस्ड ऑक्ट्राहैडल चीजें क्लियर है तो वही चीज यहां बोल रहा है कि इफ इजी इलेक्ट्रॉन क्या है आपका प्रेजेंट है वो भी कौन से एक्सेस पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स पे जिसकी वजह से क्या होगा चार लिगिंट इस पर अप्रोच करते हैं आपको मैंने दिखा दिया कैसे अप्रोच करता है तो चार लिगिंट अगर इस पर अप्रोच करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लिगिंट में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन होगा रिपल्शन होने की वजह से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सेस पे जो चार लिगिंट है और वो चार लिगिंट चार इक्वेटोरियल बॉन्ड जो बनाते हैं वो क्या हो जाएगी उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ होगी रिपल्शन ठीक है जिसकी वजह से अब आप देखेंगे नॉर्मल ऑक्टर स्ट्रक्चर के कंपेयर में यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर में क्या है थोड़ा डिस्टोर्शन आया तो ऑब्वियसली बात है जॉन्स टैलर ने क्या बोला डिस्टोर्शन आया इट मीन्स आपका कंपाउंड क्या होगा आपकी कंपाउंड की एनर्जी क्या होगी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो हमें ही फायदा होगा हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा चीजें क्लियर आ रही समझ में आ रहा ना तो ये था हमने D4 के रिस्पेक्ट पर बात की तो आप D4 के रिस्पेक्ट पर भी सारी चीजें कह सकते हैं और यहाँ पर को उसका पूरा थ्योरी मटीरियल लिखा है इसमें बोला है इफ द लिगेंड इज प्रेजेंट इन एन ए जेड एक्सिस जेड एक्सिस में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होता है Z एक्सिस मतलब ये एक्सिस होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है दो एक्सियल बॉन्ड्स के लिए ओके तो देखो ये बोर्ड अगर आपके Z एक्सिस में प्रेजेंट है देन इट विल बी एक्सपेंड द बॉन्ड बॉन्ड ये क्या करेगा लेंथ को बढ़ा भी सकता है और बॉन्ड लेंथ को क्या है घटा भी सकता है लेकिन अगर आपकी बॉन्ड लेंथ क्या है इंक्रीज हो रही है जेड एक्सिस में आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप इसे बोलेंगे जेड आउट डिस्टोर्शन अगर आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो आप इसे क्या बोलेंगे जेड इन डिस्टोर्शन ओके तो ये आपकी लैंग्वेज पर्पज के लिए हो गया तो यहाँ पूरा थ्योरी है, वो ही है जो मैंने आपको डी तो तो आप फोर के रिस्पेक्ट पर पढ़ाया ऐसे आप किसी दूसरे के रिस्पेक्ट पर भी पढ़ सकते हैं समझ में आ रहा सपोज आपने क्या किया यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए ओके सपोज आपने क्या किया यहाँ पर डी वन डी टू डी थ्री डी फोर D5, D6, G7, D8, D9. ओके okay, तो D9 नाइन की रिस्पेक्ट में पड़ा तो अब आप देखिए यहाँ भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो सिस्टम बैलेंस हो जाता ओके okay? लेकिन यहाँ अभी सिस्टम की एनर्जी इन दोनों की एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है ना एक में दो इलेक्ट्रॉन है एक में एक इलेक्ट्रॉन है ओके okay? तो यहाँ भी डी नाइन केस में भी आप सेम टाइप का रिपल्शन डिस्टोर्शन यहाँ शो करा सकते हैं ठीक है तो वैसी चीजें लेकिन सारे शो नहीं करेंगे सारे शो क्यों नहीं करेंगे डी होगा तो तीन इलेक्ट्रॉन नीचे और ये ये आपके जो ऑर्बिट है यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये तो आपका स्टेबल ही सेट है टी टू जी सेट तो आपका स्टेबल है इसकी एनर्जी तो कितनी कम होती है और यहाँ कोई लिगेंट अप्रोच भी नहीं करता लिगेंट आपके कौन से सिस्टम में अप्रोच करता है जो आपके एक्जियल ऑर्बिट है एक्जियल ऑर्बिट यानी कि ऊपर के दो ऑर्बिट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर ये ऑर्बिट तो नीचे के रहता है ये नीचे वाले ऑर्बिट है यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लिगेंट अप्रोच ही नहीं करते क्योंकि ये क्या है Non है। इस साइड तो अप्रोच ही नहीं करते को अप्रोच करने के लिए चाहिए ये वाली okay? ये वाली वाली ओके साइड आपको कब मिलेंगी जब आप डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर की बात करेंगे तो यही होता है फाइनली जॉन्स टेलर डिस्टॉर्शन बहुत ईजी था समझ में आया होप समझ में आया होगा लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी ना कहीं भी तो आप पूछ लीजिएगा ठीक है ऐसा कोई इश्यू नहीं है मैंने आ, ऐसा हो जाता है कि अगर मैं अभी ब्लैंक पढ़ा रही मतलब मेरे को कोई सामने मेरे बैठा नहीं है जो मुझसे क्वेश्चन कर सके कि हाँ इसमें क्या है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कितनी चीजें आपको कितनी आपको पहले से नॉलेज होगी या कितनी नहीं होगी तो मैं अपने रिस्पेक्ट से जितना आपको हो सकता है कि आता है उस रिस्पेक्ट में आपको पढ़ाती हूँ होप आपको समझ में भी आता हो जितनी भी चीजें फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा ठीक है तो यही होता है जॉन्स टैलर डिस्टोर्शन जिसमें आप अपने कंपाउंड को क्या कर सकते हैं कंपाउंड की मैं डिस्टोर्शन ला सकती हूँ डिस्टोर्शन का रीजन आपको देखो यहां समझ

वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय बाय